जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। फारूक साहब, पहले तो आपको मुबारक है कि आपका बेटा सही सलामत आपके पास वापस आ गया। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक के शुक्र है मालिक का, बच्चा वापस मिल गया है। एक्चुअली यहाँ पर जो लोकल मेरी एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा मदद की है। SSP साहब, मैडम SDPO मैम है, SSP साहब ने, SSP नवाबाद ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए। हम लोगों ने सारा पूरा यहाँ पहले जम्मू छान मारा, क्योंकि कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो पता नहीं चल रहा था कि क्या क्या हुआ है। बहरहाल चलो, एक हम का परसों जो है वो 1:30 बजे बच्चा जो है वो गया था ट्यूशन, उसके बाद फिर हम लोगों को पता नहीं चल रहा था कि कहाँ गया है कहाँ नहीं। तो एक रात हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से निकाली, सर्च वर्च कर रहे थे इन द मीटिंग। दूसरे दिन हम लोगों को तकरीबन 10 बजे जो है मुझे बच्चे का ही फोन आ गया कि मैं इस तरह से, मुझे कुछ समझ नहीं मैं कहाँ पर हूँ। तो फिर उसने किसी ने बताया होगा कि आप दिल्ली में हो, तो फिर एक बंदे ने वहाँ से मेरे से बात करवाई, कॉन्टैक्ट करवाया, मेरे से बात है। तो देन सर को बताया, फिर सर को मैडम को बताया और हम लोग जाके तो बच्चे को वहाँ से। आपके बेटे के साथ बात हुई, और जैसे कि अभी वो आए हैं आपके पास, तो आपकी अभी बात हुई उनके साथ की, क्या कुछ कहा उन्होंने, कैसे वहाँ पर चले गए और क्या कौन लेके गया कुछ? नहीं, ऐसा कोई डिटेल बात नहीं हुई मुझे। ऐसे उसने बताया कि मैंने उधमपुर वाली साइड जाना था राउंड मारने के लिए, लेकिन शायद गलती से गलत ट्रेन में बैठ गया और इसलिए वो उस तरफ चला गया। तो अकेला ही था ये? अकेला ही था ये, अकेला ही था, मतलब कोई इसको लेके नहीं गया था? नहीं नहीं, कोई लेके। मतलब उम्र क्या आपके बच्चे की? 17 साल। 17 साल है, तो उनको बिल्कुल पता नहीं चला कि कहाँ मैं जा रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, वो कहता मैं, मुझे ये आइडिया था कि तकरीबन 1.25 घंटे में मैं उधमपुर पहुंचूंगा, और जैसे मैं ट्रेन में बैठा, अब पता नहीं था कि ट्रेन उधर जा रही है उधर जा रही है, तो मैं अचानक से गलत ट्रेन में बैठ गया और मैं जाते ही सो गया। तो जब मेरी आंख खुली तो आई वाज इन दैट अननोन प्लेस में था, और फिर मैंने किसी को फोन किया, किसी बंदे से फोन लिया, कि उसका फोन नहीं था, फोन नहीं था। अच्छा, अननोन नंबर से मुझे फोन आया, उसने मुझे बताया, फिर उसने बोला बेटा घुमाने की बात नहीं, आप सेफ हो, मेरे कजन थे वहाँ पर, उनको मैंने उनको बोला वहाँ पर रुको, तो उन्होंने वहाँ से रिकवर किया। तो पुलिस का क्या रोल रहा इसमें? पुलिस वालों ने तो मतलब जैसे ही मेरे को उस दिन 1:30 बजे, मुझे 4 बजे के लिए पता लगा था, वैसे वापस नहीं आया, तो उस टाइम से लेकर मतलब अभी तक बच्चा, इवन के SSO साहब मेरे साथ दिल्ली गए, तो वहां से हमने वापस बच्चे को लाया। पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा मतलब एक एक पल पर मेरे, रात 12:30 बजे तक, जिस दिन पैदा दिन था 12:30 1 बजे तक हम सर्च कर रहे थे, हर एक CCTV कैमरा का गाला हमने हर जगह देख रहे थे हम जी। तो बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया पुलिस वालों का, तो मैं तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। उन्होंने मेरे हर जगह मेरे साथ रहे और उनका कोऑपरेशन रहा मेरे साथ। और फिर SSO सर ने वहां से, यहाँ से फोन कर दिया उन GRP वालों को, बच्चा वहां बैठा के रखा हमने। अच्छा, अल्टीमेटली फिर हम लोग, उनने भी खैर बड़ा कोऑपरेट किया बच्चे को लेकर। आप कितनी देर पहले अभी? जस्ट अभी को तो मुझे लगता है शायद कोई 1 घंटा पहले पहुंचे हैं हम लोग। 1 घंटा तो SSO साहब से आपके साथ गए थे? SSO साहब मेरे साथ गए थे, SSO नवाबाद जो है मेरे साथ गए थे। तो बच्चे से उन्होंने पूछताछ की कुछ? हाँ, नॉर्मल ऐसे बातचीत की होगी उन्होंने, तो घबराया भी होगा बच्चा कहीं ना कहीं। तो बच्चा जो है वो बच्चा है, उसने वही चीज जो मैंने बताई कि उसने वो घबराया तो जरूर था कि भाई गलती हुई है मुझसे, बट वो ऐसा है कि उसने ये बताया कि मैं अबू, मैंने ट्रेन उधमपुर वाली साइड जाना था मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम था पड़ा हुआ, अभी ट्यूशन में टाइम था, 1-1.5 घंटा टाइम था, मैं जोर से कम आ जाता हूँ। होते हैं बच्चे, उनको थोड़ा फैंटेसी रहती है कि सर्चेस करने गया इधर उधर घूमने का, लेकिन अब ट्रेन का सफर इसका फर्स्ट था लाइफ में, इससे शायद गलत ट्रेन उसने पिक कर ली और वो चला गया। जी, थैंक यू वेरी मच, सो मच।